इनसे मिलिए, ये है मानवी। सो सर, ये शादी अचानक ऐसे होने की वजह क्या थी? क्या ये लव मैरिज थी? ऑफ कोर्स लव मैरिज थी। राहुल और मानवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब आप आजकल के बच्चों को तो जानते ही, वो ना तो किसी की सुनते हैं और ना मानते हैं। पूछना तो बहुत दूर की बात है, वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। लेकिन जो भी है, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। राहुल हमारे घर के लिए इतनी अच्छी बहू लेकर आया। देखिए ना कितनी सिंपल, घर में इतनी गाड़ी है, लेकिन फिर भी अपने बीमार पिता से ऑटो में मिलने गई। मुझे ऐसी ही सिंपल और प्यारी बहू चाहिए। लेकिन सर कुछ अफवाहें उड़ी थी कि... अब अफवाहों के बारे में मैं क्या कह सकता। अवंती जी राहुल जी की दुल्हन थी और सुनने में आया है कि उन्होंने आखिरी मोमेंट पर मंडप में उन्हें धोखा दे दिया। अब अंकल, अवंती जी, आप राहुल जी की शादी के बारे में क्या बोलना चाहती हैं? अवंती जी, शादी तो आप दोनों की होने वाली थी, फिर अचानक ये क्या हो गया? आप मानवी के बारे में क्या पहले से जानती थी? ऑफ कोर्स मैं मानवी के बारे में जानती थी। राहुल और मानवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या है ना, मानवी बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट लड़की है, और वो सब ये कैमरा मीडिया ये सब के यूज्ड टू नहीं है ना, तो इसी वजह से हमने मीडिया को बाहर जाने के लिए कहा था। हाँ, देखा आपने, आजकल के बच्चे कितने तेज हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, मुझे तो इस सब के बारे में आइडिया भी नहीं था। देखिए राहुल आप लोगों के लिए स्पेशल है, तो हमने सोचा, तो जब भी वो किसी नए गाने के साथ आता है आप लोगों को हमेशा सरप्राइज करता है, तो हमने सोचा व्हाई नॉट उसकी शादी में भी कोई सरप्राइज एलिमेंट डाल दें, राइट? मैंने शाम को एक रिसेप्शन पार्टी रखी है, आप लोग प्लीज वहां आइएगा, और राहुल और मानवी की जितनी भी पिक्चर्स खींचना चाहते हैं आप खींचिए। आंटी, सुजॉय, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? आंटी, मैं जानता था आप अकेली होंगी, इसीलिए आपका हालचाल पूछने आ गया। आपने कुछ खाया भी नहीं होगा ना? ये देखिए, मैं आपके लिए टिफिन पैक करके लाया हूँ। बेटा, तुम कितना सोचते हो हमारे बारे में, कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कहूँ तुमसे। आंटी बस जल्दी से गुड न्यूज दे दीजिए कि अंकल ठीक हो गए। पता नहीं ऐसे कब होगा, वो डॉक्टर्स कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, कहते हैं अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। शुक्र है भगवान का कि ये बुढ़ा कोमा में, वरना इसने तो मेरी जान ही ले ली होती। सो क्या बात करना है? एक मिनट, नो 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 नो, देखो तुम ये सेंटी तो नहीं होने वाले ना, रोने तो नहीं वाले तुम? हाँ वंथी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए माफी मांगना भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं। जो मैंने किया उसके लिए तो कोई सजा भी नहीं है, बट स्टिल आई एम वेरी वेरी सॉरी वंथी। इट्स ओके राहुल, सीरियसली इट्स ओके, मैंने तुम्हें कहा ना, इनफैक्ट तुमने मुझे दुख देने से ज्यादा मुझ पे फेवर ही किया है। And, तुम्हारा प्यार मानवी के लिए देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट यू नो, तुम दोनों को देख के मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो मुझे इस हद तक प्यार करे। आई होप मुझे जल्दी मिल जाए। तुम भी विश करो कि मुझे तुम्हारे जैसा लड़का जल्दी मिल जाए। मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, और मुझसे बेटर मिलेगा। इनफैक्ट जो भी वो लड़का होगा वो बहुत ही लकी होगा वंथी, यू आर ग्रेट गर्ल, और तुम इस दुनिया की सारी हैप्पीनेस डिजर्व करती हो। आखिरी मोमेंट पे मैंने जो किया वो गलत था, तुम्हें शादी के जोड़े में इस तरह से वापस जाने पड़ा, और शादी के लिए प्रपोज भी मैंने किया था। अवंती, अगर सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस कुछ ऐसे बन गए थे कि मैं कुछ भी अवॉइड नहीं कर पाया, आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं ऐसा बिल्कुल चाहता नहीं था। भाभी जी मुझे दीजिए, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। भाभी जी आपकी तबीयत भी कुछ सही नहीं लग रही है, और आप इतना परेशान क्यों हो? दीजिए हम कर देते हैं, ऐसा भाभी का टाइम में भी मैंने ही मदद किया था उनका। शादी के बाद पहले दिन खाना घर की दुल्हन ही बनाती है, और यही रस्म है, और फिर मुझे इतने सारे लोगों का खाना बनाने की पहले से ही आदत है।
जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता था ना, दुर्गा पूजा या कुछ भी, तो माँ की मदद करते करते सारा खाना मैं बनाती थी और बार बार कैटरर्स का खर्चा कौन उठाए। जी मॉम, आपने गेस्ट लिस्ट चेक कर लिए? मैंने सब चेक कर लिए, तुम जाके देखो। ये सब क्या है? हाँ, तुम लोगों का काम खत्म नहीं हुआ अभी तक। अरे मेहमानों का आने का वक्त हो गया है और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बाकी लोग कहाँ हैं? डैड आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सारी अरेंजमेंट्स मैंने पर्सनली सुपरवाइज की है, तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। गुड निशा। निशा, शादी में ऑलरेडी बहुत तमाशा हो चुका है, ये पार्टी एक तरीके का डैमेज कंट्रोल है हमारी उस इज्जत को वापस लाने का। मैं नहीं चाहता किसी चीज की कमी रह जाए। सभी मेहमानों को ये लगना चाहिए कि ये शादी हमारी मर्जी से हुई, हम बहुत खुश हैं हमारी उस सो कॉल्ड बहू मानवी से। डैड मैंने कहा ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी।